हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। शहनाज कौर गिल ने किया है सिद्धार्थ शुक्ला को याद। वैलेंटाइन के खास मौके पर शहनाज ने कुछ ऐसे ट्वीट्स लाइक किए थे जिन पर अब फैंस काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं ये देख देख कर। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। एक नहीं दो नहीं बैक टू बैक कई सारे ट्वीट शहनाज कौर गिल ने लाइक किए। शहनाज ने ये सारे ट्वीट लाइक किए थे जो कि जुड़े हुए थे उनके और सिद्धार्थ शुक्ला से। वी मिस यू शहनाज जहाँ हाल ही में ट्रेंड कर रहा था, तो वहीं इन सभी के बीचों बीच कुछ फैंस ने ट्वीट शेयर किए थे, अपना प्यार बरसाया था इस जोड़ी पर। शहनाज ने इन सभी ट्वीट्स को लाइक किया हुआ है। वहीं अगर शुरुआत से बात की जाए तो सबसे पहले शहनाज कौर गिल द्वारा जो ट्वीट लाइक किया गया था वो जुड़ा हुआ था कि आई एम नॉट अ पर्सन जो बिलीव करे प्यार में, लेकिन जब से हमने तुम्हें देखा हम लिटरली प्यार में पड़ गए, ऐसा एक ट्वीट था। वहीं किसी ने जो टैटू बनवाया था शहनाज का, शहनाज ने उस पर भी रिएक्ट किया। वहीं किसी ने लिखा 2 साल तो बहुत कम थे, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। लेकिन वहीं किसी ने ये लिखा जो कि शहनाज को सिद्धार्थ ने हक किया था इसके बारे में। वहीं किसी ने ये भी लिखा कि सोल ऑटोमेटिकली गेट्स अटैच व्हेन दे मीट पर्सन विद सेम वाइब्स, यानी कि दिल अपने आप ही जुड़ जाते हैं जब हम सेम वाइब्स वाले पर्सन से मिलते हैं। वहीं किसी ने ये लिखा कि इस मोमेंट में जिस तरीके से सिद्धार्थ ने शहनाज को पुल किया था, साथ ही आगे तस्वीरों में और भी खूबसूरत सी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि शहनाज कौर गिल का सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस में किस करना और ऐसी तमाम बातें। खैर ये सारे ट्वीट्स फैंस द्वारा शेयर किए गए जिन्हें शहनाज ने लाइक किया, यानी कि शहनाज ने भी सिद्धार्थ को एक बार फिर से मिस किया। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।